जो हम लोगों ने काम करना शुरू किया तो हम लोगों का पहला संकल्प था कि हम कानून का राज स्थापित करेंगे और उसके लिए निरंतर प्रयत्नशील रहते हैं। जो भी अपराध करेगा कानून उसे कठोरता से निपटेगा। विभिन्न विभागों में कार्यरत संविदा कर्मियों को समिति की अनुशंसा के अनुरूप लाभ देने का निर्देश दिया है और इस पर पूरा काम हो रहा, इसलिए अब जितने हमारे संविदा कर्मी हैं वो भी अब चिंतित न रहे। अब उनको भी जो सरकारी सेवा में बहुत सारी सुविधाएं मिलती है वो सुविधाएं भी उनको प्राप्त होंगी। अगर पर्याप्त वर्षापात नहीं भी होता है तो हम आपदा प्रबंधन की तरफ से पूरी सहायता करेंगे किसानों को जिनके फसल की बर्बादी होगी, और हम लोगों ने फसल सहायता योजना की शुरुआत की है, उसके माध्यम से भी हम लोग उनका सहयोग करेंगे। तो पंचायत से प्रखंड मुख्यालय तक यात्रियों के को परिवहन की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए एक मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना प्रारंभ की जाएगी। इस योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के युवाओं को प्रत्येक पंचायत में भाड़े पर चलाने के लिए यात्री वाहन खरीदने हेतु वाहन की कीमत का 50% अनुदान दिया जाएगा।